हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू आवर सुषमाज किचन। तो चलिए आज हम लोग बनाने चलते हैं बहुत ही स्पेशल सा आटे का हलवा। इस हलवे को आप जब भी मन करे आपको कुछ मीठा खाने का, आप उस समय इसको ज़रूर बना कर देखिए और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा और हमें कमेंट में भी ये ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है। हमें यहाँ पे लेना है 1 कप गेहूं का आटा। जितना हमने गेहूं का आटा लिया उसका आधा मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप उस हिसाब से चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 चम्मच घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इस कढ़ाई को हमें गर्म करना है। जब कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो अब हम इसमें घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किए बगैर भी डाल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी चॉप करके रख सकते हैं या फिर आप इसको मेरी तरह रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। मुझे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, तो अब हम इसको इसमें से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम आटे को डाल देंगे। इस आटे को हमें अच्छी तरह से भूनना है। जब तक आटा हमारा थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक इसको हमें चलाते रहना है कंटिन्यूसली। इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये आटा जो है वो हमारे नीचे चिपक कर जल भी सकता है। हम आटे को जब भूनेंगे तो हमारा आँच जो है वो मीडियम फ्लेम पे रहेगा। अगर हम हाई रखते हैं तो आटा का चांस जो है वो ज़्यादा है कि वो जल सकता है, इसलिए हम कंटिन्यूसली उसको चलाते भी रहेंगे और इसका फ्लेम जो है हमें मीडियम रखना है। देख सकते हैं हमारा आटा जो है वो धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब इस कंडीशन पे आने के बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया था तो हमने यहाँ पे 1/2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। जितना हमने आटा लिया था उसका 2 गुना हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया था तो हम यहाँ पे 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक ये जो आटा है वो हमारा गाढ़ा नहीं होने लगता है तब तक हमें इसको पकाते रहना है। अभी भी हम इसको चलाते ही रहेंगे। ये सारा काम जो है हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है। हाई फ्लेम पे करने से ये हमारा जल भी सकता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे। मैं यहाँ पे इस हलवे में 1 चम्मच ऊपर से घी भी ऐड कर रही हूँ ताकि इस हलवे का टेस्ट जो है वो और भी अच्छे से आ सके। देख सकते हैं ये हलवा जो है वो धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो अब हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद हम इसको लगभग 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे गैस से। उसके बाद हम इसको किसी भी बाउल में या फिर किसी भी सर्विंग ट्रे में निकाल सकते हैं। इस आटे के हलवे को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अगर घर में गेस्ट आए हों और इस आटे के हलवे को आप सर्व कीजिएगा तो वो वाहवाही करने से नहीं थकेंगे। जब भी हमारा मीठा खाने का कुछ मन करता है तो हम इस आटे के हलवे को बनाकर उस समय खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो अगर आपको हमारी ये आटे के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा और हमें कमेंट में भी ये ज़रूर बताइएगा कि ये आटे का रेसिपी आपको कैसे लगा। और हमारे इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए।